हाय गाइस, दिस इज जुनैद कलीवाला और आज जो वीडियो बना रहे ये कोई भी व्लॉग नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और वही कमेंट की वजह से मैं इंस्पायर भी हो रहा हूँ, मोटिवेट भी हो रहा हूँ और मुझे रेगुलर वीडियो डालने में मज़ा आ रहा है। बिकॉज तभी जब आप कुछ काम कर रहे हो और लोगों को पसंद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी और पर्सनली ये वीडियो मैं बनाना चाहता था जो थी रमज़ान डाइट और वर्कआउट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक फ्री डाइट एंड फ्री वर्कआउट टिप्स दे दूँ जो रमज़ान में फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप लोग रमज़ान में रोज़ा रखने वाले हो और आप ये डाइट का ये डाइट को यूटिलाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे कि ये वीडियो को पॉज कर दो, अपने पास एक बुक और पेन पेन ले लो या फिर आपके पास में नोट होगा, लैपटॉप होगा, उसके नोटबुक खोल लो, उसके अंदर में जो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वीडियो को स्लो स्लो देखते देखते लिखो। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान में कुछ क्वेश्चंस है उसके जवाब दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आप अपना डाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन रमज़ान में, ट्रेनिंग कब कर सकते हैं? ट्रेनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है रमज़ान में आफ्टर फर्स्ट मील, यानी आपका इफ्तार होता है, उसके बाद में आप 30 मिनट्स के बाद में ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जिम में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इफ्तार और ईशा की नमाज़ के बीच में टाइम बहुत कम रहता है और लोगों को टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं है, आप इफ्तार करो, आराम करो, ईशा की नमाज़ पढ़ो, तरावी पढ़ो, तरावी के बाद भी आप जा सकते हो जिम करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद भी अगर आपको करना है तो थर्ड ऑप्शन इज़ सहरी से पहले आप कर सकते हो, उसके बाद में सहरी करके आप नमाज़ पढ़ के सो सकते हो। तो तीन राइट टाइमिंग, या तो आप इफ्तार के इमीजिएटली 20-25 से 30 मिनट बाद चले जाओ, या तो फिर आप तरावी पढ़ के चले जाओ, या फिर आप सहरी से पहले कर लो। तो ये तीन बेस्ट टाइमिंग है वर्कआउट करने के। आप इफ्तार के पहले भी कर सकते हो जो आपने मुझे देखा था, लेकिन वो इफ्तार से पहले करने में एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपना मसल मास खो सकते हो, बट अगर आपका न्यूट्रिशन उस लेवल का है, उस एडवांस लेवल का है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ़ यू आर अ बिगनर और इंटरमीडिएट, आप अगर अपना सेल्फ कोचिंग करते हो, आपके पास में कोई कोच नहीं है, या फिर आप सिर्फ हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हो, तो मैं आपको कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं लास्ट ईयर इफ्तार के पहले इसलिए करता था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मील खाने होते थे, मेरे दो ट्रेनिंग सेशन होते थे और मेरे पास टाइम नहीं होता था, मेरी मजबूरी थी और मैं रोज़े नहीं छोड़ना चाहता था। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द प्रो एथलीट, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जुनैद ये करता है लेकिन ये बताता नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छा है, अगर आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। नंबर टू, रमज़ान में कितने 6 मील कैसे खाए? कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप 6 मील नहीं खा सकते हो, आप 4 मील 5 मील भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मील कैसे डिवाइड करें? सबसे पहला मील आपका इफ्तार जो होता है 7 o'clock के आसपास, आपका सेकंड मील अगर आप इफ्तार के बाद वर्कआउट कर रहे हो तो इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट वो आपका हो जाएगा सेकंड मील, उसके बाद आप नमाज पढ़ोगे, तरावी पढ़ोगे, उसके बाद तरावी के बाद जो आप खोएंगे थर्ड मील, तरावी आपकी तकरीबन 11:30-12 बजे तक खत्म हो 11:30-11 बजे तक खत्म हो जाती है। फोर्थ मील जो रहेगा वो आपका आप 1:30 को ले सकते हो, उसके बाद में एक छोटा सा नैप ले सकते हो, अगर आप नैप नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं। आपका फिफ्थ मील आप ले सकते हो जो है सहरी, आपके हो गए 5 मील। अगर आप 4 मील वाली डाइट कर रहे हो, 5 मील नहीं करना है, तो सबसे पहला मील आपका रहेगा इफ्तार वाला, सेकेंड मील रहेगा आपका तरावी के बाद वाला, थर्ड मील रहेगा आपका वर्कआउट के बाद वाला, और फोर्थ मील रहेगा आपका सहरी के बाद वाला। अगर आप सहरी से पहले वर्कआउट कर रहे हो तो भी आप सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हो, इफ्तार वाला जो मील है वो फर्स्ट, तरावी के बाद वाला वो सेकेंड, फिर उसके बाद में जिम से पहले थर्ड, और जिम के बाद जो सहरी होगी आपकी फोर्थ। फोर्थ या 5 मील में अपने कैलोरीज को डिवाइड कर सकते हो, अपने माइक्रोस को डिवाइड कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 मील खाना है, क्योंकि आपके पास में ईटिंग विंडो बहुत कम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उतनी कैलोरीज खा सकते हैं। मील कैसे रखने? सबसे जो पहला मील रहेगा आपका इफ्तार का, उसको हमेशा बड़ा मील रखना, उसके अंदर में आप सॉलिड रखोगे तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि मैं प्रेफर करूँगा एग वाइट्स, जो सबसे बेस्ट एंड द फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है सॉलिड मील में। उस फिश भी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई फिश खाने के लिए तैयार होगा इफ्तार में, लोग पकड़ के मारेंगे। उसके साथ में आप कार्बोहाइड्रेट और फैट भी रखना, गुड फैट में आप एवोकाडो रख सकते हो फ्रूट के अंदर, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो जैसे वॉलनट या आलमंड, या आप पीनट्स रख सकते हो, वो आपके फैट सोर्सेस हो गए। उसके बाद में अगर आप कार्ब्स की बात कर सकते हो तो आप ओट मील खा सकते हो, कार्ब्स में आप मिक्स फ्रूट के एक बॉल ऑफ फ्रूट ले सकते हो मीडियम साइज का, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैलोरीज और आपके डाइट में कितना कार्ब्स अलाउड है। तो जो सबसे पहला मील रहेगा उसके अंदर में आप लोग रखिए प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स। अगर मुझे आप पूछोगे तो मेरा प्रेफरेबल रहेगा प्रोटीन के अंदर एग्स, कार्ब्स के अंदर फ्रूट्स या ओट्स, और फैट के अंदर मैं प्रेफर करूँगा एवोकाडो या फिर आलमंड।
तो ये मेरा फर्स्ट मील रहेगा। सेकेंड मील में हमेशा प्रोटीन शेक रखूंगा, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट मील रहेगा वो डाइजेस्ट होते ही मुझे सेकेंड मील लेना है, जिसके अंदर में मुझे 1-1.5 घंटे का गैप मिलेगा। और अगर मैं सेकेंड मील हैवी खाता हूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, जैसे कि ये ईशा की नमाज के पहले वाला मील है, तो नमाज या फिर ईशा की नमाज के पहले वाला मील रहेगा या पोस्ट वर्कआउट रहेगा, जो लोग इफ्तार के बाद कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट वर्कआउट रहेगा या ईशा के, तो बोथ द मील ईशा की नमाज के पहले रहेंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा हैवी मील खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, मैं नमाज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा सेकेंड मील जो रहेगा वो रहेगा प्रोटीन शेक विथ फैट। तो प्रोटीन शेक के साथ में आप पीनट बटर ले सकते हो, प्रोटीन शेक के साथ में आप आलमंड बटर ले सकते हो, कैश्यू बटर ले सकते हो, या फिर आलमंड और प्रोटीन शेक ले सकते हो, या फिर आप वॉलनट खा सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा फेवरेट रहेगा प्रोटीन शेक के साथ में, आई विल प्रेफर आलमंड और पीनट बटर। नंबर मील नंबर थ्री, मैं हमेशा मील नंबर थ्री को एक हेल्दी मील रखूंगा, जिसके अंदर में मैं, अगर आपके डाइट में कार्ब्स अलाउड है तो मैं प्रेफर करूंगा। अगर आप मेरा मील पूछोगे, मील नंबर थ्री तो रहेगा अबाउट 150 से 150 ग्राम के आसपास चिकन, और 100 से 125 ग्राम के आसपास राइस, उसके साथ में कुछ वेजिटेबल्स। तो इसके अंदर आपको मिल गया प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। अगर आपके मील में फाइबर कार्ब्स अलाउड नहीं है तो आप प्रोटीन के साथ में फाइबर ले सकते हो, दैट्स इनफ। चिकन की जगह फिश ले सकते हो। अगर आपको फैट अलाउड है उस मील में और कार्ब्स अलाउड नहीं है तो आप फैट की जगह, मैंने आपको फैट के ऑलरेडी ऑप्शंस दे चुके, वो ले सकते हो। सो अगर आप मील नंबर चार की बात करते हो तो मैं मील नंबर चार में काफ्री मील रखूंगा, क्योंकि वो एक वो ऐसा टाइम रहेगा जब मेरे एक्टिव आवर्स कम रहेंगे। तो मैं मील नंबर चार में, अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं रखूंगा चिकन और फिश, उसके साथ में सैलेड। तो इसमें आपको मिल जाता है प्रोटीन एंड फाइबर। मील नंबर फाइव की अगर बात करते हो तो मील नंबर फाइव में मैं फिफ्थ मील रखूंगा बहुत ही स्लो रिलीज प्रोटीन वाला, जिसके अंदर थोड़ा सा स्लो रिलीज प्रोटीन हो और फैट हो। अगर आप मटन खाते हो तो आप मटन कीमा ले सकते हो, तेल में तला हुआ नहीं मेरे भाई, यानी कि तरी वाला मटन कीमा नहीं, बट यस हेल्दी वे में मटन कीमा आप कुक करके खा सकते हो, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है और फैट भी है। अगर आप बफेलो खाते हो तो आप बफेलो भी खा सकते हो, अगर आप सैल्मन फिश खाते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको खाना नहीं है तो आप केसीन प्रोटीन भी ले सकते हो। अगर आपके पास में केसीन प्रोटीन खरीदने के लिए बजट नहीं है तो आप वे प्रोटीन को स्किम मिल्क में डाल के भी पी सकते हो, दैट विल बी योर फिफ्थ मील। तो ये हो गए हमारे फाइव मील जो मैं आपको बताया हूँ। मैंने मेरी चॉइस भी बताई कि मैं क्या लूंगा और मैंने आपको सजेशन भी दिया कि आप क्या ले सकते हो। अब बारी आती है इस चीज की कि कितना लेना है और किसके लिए। तो देखो भाई, मैं यहां पे सबको इतना तो नहीं बता सकता कि आपकी डाइट ये, आपकी डाइट ये, आपकी डाइट ये, और ना ही मैं आपको एक सिंपल डाइट बता सकता हूं कि ये खा लो। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको पता है कि आपकी कैलोरी इंटेक मेंटेनेंस कितनी है, बिकॉज सी रमजान का जो महीना है उसको मोस्ट प्रोबेबली इंटरमीडिएट फास्टिंग के जैसे माना जाता है। सिर्फ फर्क इतना रहता है, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं उनको वाटर, कॉफी एंड BCAA अलाउड रहता है, बट हमारे यहाँ पे पानी तक के अलाउड नहीं है। बट इसके अलावा इट्स इक्वल टू सेम, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैं डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बहुत अच्छा मंथ होता है। इसमें अगर हम लोग प्रॉपरली डाइट भी फॉलो करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा फैट लॉस हो सकता है, नॉट वेट लॉस बट फैट लॉस हो सकता है। अब रही बात डाइट की कि किसको कितने डाइट करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बॉडी वेट, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा अपनी डाइट खुद कस्टमाइज करने का, अगर आपके पास में कोच नहीं है तो, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों के पास में उतना अफोर्डेबल फीस नहीं रहता है कि वो कोच हायर कर सके। तो अगर आपके पास में कोच नहीं है तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी डाइट बताऊंगा। अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो के अंदर है, यानी कि इफ यू आर लेस देन 70 kg एंड योर गोल इज फैट लॉस, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका प्रोटीन इंटेक 150 से 170 ग्राम के बीच में रखें, आपका कार्ब इंटेक 100 ग्राम के आसपास रखें, आपका फैट इंटेक 60 to 80 ग्राम के आसपास रखें। आपका अगर बॉडी वेट 70 kg से लेकर 90 kg के बीच में है तो आपका प्रोटीन इंटेक आप रख सकते हो तकरीबन अराउंड 170 to 190 ग्राम, और आप अपना कार्बोहाइड्रेट 120 ग्राम तक के रख सकते हो, आपका फैट अराउंड 80 टू 100 ग्राम तक के रख सकते हो। अगेन अगर आपका वेट 90 प्लस है एंड इफ यू आर लुकिंग टू डू अ फैट लॉस, आई विल स्टिल सजेस्ट कीप योर कार्ब नॉट मोर देन 180 कीप योर प्रोटीन नॉट मोर देन 180 ग्राम, कीप योर कार्ब अगेन एट 100 ग्राम, कीप योर फैट अराउंड 90 to 100 ग्राम। सो ये तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। आपको मैंने ये भी बता दिया है
कि आपको कौन सा बेस्ट सोर्स है कार्ब्स खाने के लिए, प्रोटीन खाने के लिए, फैट खाने के लिए, आपके बॉडी वेट के हिसाब से मैंने आपको डाइट भी बता दी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप पेन पेपर लेके बैठना ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आपने नहीं लिया तो ये वीडियो आपको वापस देखनी पड़ेगी, आप जब लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है प्रोटीन सोर्स, कार्ब सोर्स एंड फैट सोर्स, फिर आपके बॉडी के हिसाब से, और आपको मील्स लिख लेने कैसे करना है, डिवाइड करना आपका काम है। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया कि कैसे डिवाइड कर सके, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट टू बी टेकन इन रमजान, BCAA थ्रू आउट, जब आप इफ्तार से सहरी तक कर सकते हो तो आप तकरीबन 2 सर्विंग तक के BCAA ले सकते हो, बेटर रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो मेडिकल में आपको मिलता है, जिससे आपका हाइड्रेशन बना रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ट्राई टू ड्रिंक एज मच वाटर एज पॉसिबल, सबसे पहली बात, बिकॉज आप रमजान में रोजे रखते हो तो आप 15 से 16 घंटे फास्टिंग में रहते हो, तो आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेकेंडली, गर्म बहुत है, स्पेशली मुंबई में। आई डोंट नो आप किधर से हो, लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली या इंडिया में कोई भी कोने से, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान देना। पानी ज़्यादा पीना, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर 2 पैकेट से ज़्यादा मत लेना, BCAA 2 सर्विंग से ज़्यादा मत लेना, ग्लूटामाइन अफ्तार के टाइम पे और सहरी के टाइम पे 1-1 सर्विंग आप ले सकते हो। प्रोटीन शेक मैंने आपको बता दिया है कब लेना है। उसके अलावा मल्टीविटामिन की टैबलेट आप 1 सर्विंग ले सकते हो, चाहे फिर वो अफ्तार में ले लो या फिर आप सहरी में ले लो। फिश ऑयल आप ले सकते हो, इट्स वेरी गुड फैट सोर्स, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। सो फिश ऑयल की आप 1 सर्विंग ले सकते हो, कोई भी बड़े मील के साथ में, मील नंबर 3, मील नंबर 4 के साथ में, मील नंबर 1 के साथ में भी ले सकते हो। अगर आप फैट लॉस पे हो तो CLA भी यूज कर सकते हो, बट If you think you need, अगर आप at the beginner level हो कि आपने अभी 1-2 महीने से fat loss चालू किया, तो मैं आपको नहीं suggest करूंगा, तो CLA around 1000 to 1500 mg CLA आप ले सकते हो। अगर आप 1500 ले रहे हो तो 3 मील में ले लो, जैसे आपने एक इफ्तार में ले लिया, एक आपने मील नंबर 3 में ले लिया और एक आपने सहरी में ले लिया। सो ये सब सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप फैट लॉस डाइट पे हो और आप रमज़ान में अपना मसल मास नहीं खोना चाहते हो। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरे से हेल्प चाहिए, अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज़ क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझसे जो भी हेल्प होगी मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने आपका रिप्लाई नहीं कर पाया तो आई एम रियली सॉरी, आप ये समझ लेना कि मेरे पास में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की विथ रिप्लाई ऑफ द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड रमज़ान आ रहा है, सबको रमज़ान मुबारक, दुआ में याद रखना, जायदाद में किसी का भाग मत रखना।